जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम लगभग ये 5 बजे हैं और 5 बजे से ही सुबह में हमारी झाड़ू पोछा सब लग रही है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर थोड़ा सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई करने के बाद सुबह सुबह पूजा भी मैं कर लूँ, क्योंकि नवरात्रि तो हमने किया नहीं है। नवरात्रि के दिनों में 4 या 3 बजे से ही मैं उठ जाती थी और सारे कामों को निपटाती थी, क्योंकि मंदिर वगैरह भी जाना रहता था मुझे। तो इस बार तो कहीं भी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए घर में ही सोच रही हूँ कि अपना घर के सारे काम सुबह में ही निपटा लूँ और पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगा लूँ जो भी काम है, क्योंकि सुबह सवेरे सारे काम निपट जाते हैं और अच्छा दिन भी है माता का। दिनों में कम से कम ये तो काम कर ही सकते हैं, झाड़ू पोछा सुबह में लग जाती है तो अच्छा लगता है। और फिर थोड़ा सा पूजा कर लो सुबह सवेरे तो मन लगता है, एक ऊर्जा सी आती है। और इन दिनों तो जानते हैं कितने शुभ दिन होते हैं, तो इसलिए सोचती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर कम से कम ये सारे हम कर लें। नवरात्रि तो नहीं किया है, लेकिन ये सारे कामों को निपटाने के बाद सुबह जल्दी पूजा करने का मज़ा ही अलग है। तो चलिए, हम वैसे तो हमारे घर में मैं बिना पूजा किए रहती नहीं है, सुबह सुबह ही मैं पूजा कर लेती हूँ हमेशा, लेकिन इधर थोड़ा सा लेट से मैं 5:30 या 6 ये ही उठ पा रही थी, क्योंकि कुछ सवेरे उतना जल्दी नहीं उठ पा रही थी, तबीयत भी मेरी थोड़ी सी इधर ख़राब लग रही थी। लेकिन सोच रही हूँ कि इन दिनों कम से कम सुबह जल्दी उठकर सारे कामों को निपटा लूँ। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लग गई है, घर में झाड़ू लग गई है, पर्दे वगैरह सभी निकाल लिए हैं धोने के लिए, पर्दे बचे हुए थे मेरे घर में धोने के लिए, तो इसलिए तो यहाँ पर सब पोछा लगाया है, बेडशीट ठीक ये बदला है। तो ये सारे काम करते करते नहीं देख सकते हैं, उजाला भी तो हो ही गया है, लेकिन सुबह 7 बजे से पहले ही मैं पूजा कर लूँगी। और यहाँ पर जितने भी पर्दे थे निकाले थे सभी को मैं धो दूँगी, क्योंकि लगे हाथ धो दो तो ठीक है, नहीं तो कल के लिए रहने देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाता है कपड़े। तो इसे भी मैं धो लूँगी और धोने उने के बाद हो गई हमारी स्नान। स्नान करने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया है और इसके बाद आ गए हम सीधे पूजा रूम में, क्योंकि सबसे पहले पूजा कर लेंगे इसके बाद ही सारे काम हम करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर का जो है वो साफ़ सफाई कर लेंगे। दो हम कपड़े रखते हैं यहाँ पर, एक तो पूजा मतलब पोछा लगाने के लिए थोड़ा सा, और एक मैं फोटो वगैरह पोछूँगी। तो थोड़ा सा गंगा जल से धो लेती हूँ कपड़े को और फिर फोटो वगैरह की आज सफाई कर लेंगे, सुबह में ही थोड़ा सा पोछ लेंगे। और आज है गुरुवार और आज माथा धोकर स्नान भी मुझे करना था, तो आज हमने कर लिया है स्नान भी और अच्छे से पूजा पाठ इन दिनों सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम में कर लूँ तो अच्छा लगता है मन। तो चलिए, सबसे पहले तुलसी माता के पास जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेते हैं। और वहाँ जल चढ़ाने के बाद सीधे अब फूल तोड़ लेकर आई हूँ ना, देख सकते हैं 2 अड़हुल फूल भी हमारे पौधे में आ गए थे। देखिए, ऐसे ही फूल बहुत सारे फूल आते थे मेरे पेड़ में, लेकिन पता नहीं अब कीड़े के कारण नहीं उगते हैं, लेकिन बरसात के कारण ना सब कीड़े मर गए हैं। तो अभी फूल खिल रहे हैं थोड़ा, 1-2-4 ऐसे कुछ। तो चलिए, सबसे पहले इन फूल, आज का दिन है और फूल भी मेरे आंगन में खिल ही गया था, तो चढ़ा देते हैं माता पर। शुभ दिन भी है और फूल भी आज अड़हुल का, जानते ही हैं कि अड़हुल का जो फूल होता है वो माता का फेवरेट होता है, तो आज चढ़ गया भी अच्छा भी लग रहा था। तो और पीली वाले फूल भी मेरे आंगन में तो हैं ही, तो सारे पेड़ पौधे मैं अपने आंगन में रखती ही हूँ, जो कि ज़रूरत के सामान हो सभी पूजा पाठ के, सभी मेरे आंगन में हैं। और इसके बाद आरती वगैरह दिखाते हैं, पूजा वगैरह तिलक वगैरह लगाया है बस, और कुछ नहीं। अच्छी
कहाँ जाए थे तुम जाना चाहो तो पेपर छोड़ देखो जाते काहे लगा दिए ना पूरा अच्छा से लगाए हैं। हाँ ठीक है बस इतना पर यहाँ छोड़ देगा आएगा। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 4 और अभी मस्ती चल रही है सभी की बैठे हुए 4 बज गए। बहुत छींक पर छींक मार रहे हैं, सर्दी हो गई है जोरों की, तो अभी लाकर दिए हैं दूध, तो जा रहे हैं अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाएंगे। इधर उधर चूड़ियाँ रखी हुई थी तो इसको थोड़ा सा सेट करके रख देते हैं और चूड़ियाँ बदल भी लेते हैं क्योंकि जो पहनी हुई हूँ उसी का मैचिंग पहन लेते। ब्लू कलर मैचिंग था लेकिन फिर भी सोच रही हूँ ना, तो हरी वाली चूड़ियाँ थी तो हरी वाली ब्लू कलर का निकाल दिया, हरी वाली पहन लेंगे। और फिर सेट करके सारी चूड़ियों को रख दिया है और इसे कुछ बाज़ार भेजा था कुछ लाने के लिए, थोड़ी मोड़ी कुछ धनिया हुआ, टमाटर हुआ, प्याज हुआ, यही सारी चीज़ें जो कि आज हम बनाएंगे। अभी धो दिए भात को थोड़ा सा, पहले नहीं हम खाएंगे भात, हम डायरेक्ट उठाएंगे, हम ही नहीं पीते हैं, ठंडा है अभी भर के रखा है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तो दोस्तों अभी हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे बच्चों के लिए स्पेशल आज, और इस बार हमने लड़कों को दिया नहीं तो इस बार हम सोच रहे हैं कि बच्चों को बाहर खाने से अच्छा है कि घर में ही कुछ नई डिशेज बनाओ डेली और बच्चों को खिलाओ सबको, तो यही सोचा है हमने। बाहर भी पैसे लगते हैं और यहाँ भी लेंगे, इससे अच्छा है कि बाहर का इस टाइम ना बिल्कुल भी बढ़िया खाना, मतलब बिल्कुल भी बढ़िया नहीं मिलेगा खाने में, जैसे कि चाट हो सारी चीज़ें खाते हैं। हाँ कोई ऐसा चीज़ें हैं जो कि हम ऑर्डर करवा सकते हैं, लेकिन जो छोले हो गया और जो मैं बना सकती हूँ जो चीज़ें वो बनाकर मैं बच्चों को खिलाऊंगी, और डेली मैं नहीं खा सकती हूँ, कोई टाइम है, कुछ बाज़ार से भी मंगा कर खाएंगे हम लोग। बहुत दिनों से ये चीज़ बनाई नहीं हूँ तो बच्चों का मन है आज छोले भटूरे खाने का, तो बहुत दिन के बाद मुझे भी खाने का मन करा, सबको खाने का मन करा, तो शाम के टाइम ही हम बनाएंगे। 5 बज गए हैं, अब जा रहे हैं हम स्टार्टिंग करने खाने की। लाइट भी कट गया, सोच रही थी कि इसकी रेसिपी मैं दूँ लेकिन लाइट ही कट गया, ऐसे हो जाता है इसलिए के कारण ना कभी कभी नहीं भेजना पड़ता है। सोच भी किया तो मतलब लाइट कट गया, बस रेसिपी रह गया वैसे में, तो इसलिए उस चैनल में भेज नहीं पाती हूँ। तो चलिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा जो भी नए देख रहे हैं। तो चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सुबह में ये डाला था क्योंकि मुझे बनाना ही था शाम में, इसलिए मैंने सुबह में ये काबुली चने डाले हैं। लगभग ये हो गया है कम से कम 6 घंटा तो हो ही गया होंगे, अब फूल गया है पूरा बढ़िया से। तो इसे क्या करते हैं हम पहले कुकर में 3-4 सीटी लगा देते हैं इसमें, चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। आज लाइट के वजह से मैं रेसिपीज बना नहीं पाऊंगी, टाइम भी चला जाएगा, तो लाइट आने का इंतजार करेंगे तब तो हो गया, फिर बच्चे खा लिए। प्याज तो बहुत महंगी, टमाटर तो 100 रुपये किलो हो गया, टमाटर खा नहीं सकते हैं, लेकिन छोले बना रही हूँ तो थोड़ा सा टमाटर नहीं रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए टमाटर मंगाना पड़ा। तो अभी टमाटर हम मात्र 250 ग्राम लाए हैं क्योंकि 100 रुपये किलो ये टमाटर दे रखा है। वैसे तो राशन पानी हमने मंगाया था, आप लोग सोचते हो कि राशन मंगाइए के लिए, तो हरी सब्जियाँ मैं डेली यूज़ करने के लिए मंगाऊंगी क्योंकि राशन तो हमने मंगाया है पर डेली जो यूज़ जो चीज़ मुझे बनाना है वो चीज़ों का टाइम की जान करना होता है, जैसे कि दही वगैरह, जैसे दही आधा किलो लाने के लिए दोनों से लाया है।
साथ में छोले मसाला मंगाया है, छोले मसाला मैंने नहीं लिया था। अच्छा जैसे जैसे बनता है छोले वगैरह उसका मसाला हम मंगाएंगे। खाने वाला सोडा है रे लड़का, लग रहा है कि चीनी जैसा। टाइम कट ले जाए भी नहीं कर रहा, पाकिट नहीं मिलता है एसी का। खाने वाला सोडा हमने मंगाया है, थोड़ा थोड़ा यूज में आ जाता है कभी कभी, तो ये नहीं लाया था, याद नहीं रहता ना ये लाने के लिए, तो आज मंगा लिया सोडा। अब क्या करें, चढ़ाना भी है और मुझे नमक और हल्दी और ये गरम मसाला हम उसमें डालकर तीन सीटी लगाने के लिए चढ़ा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि लाइट है नहीं, देखिएगा नहीं। लाइट आ गई थी तो चलिए आपको दिखाई देते हैं रेसिपी। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें आपने देखा है सीटी लगाने के लिए रख देते हैं, नमक भी हमने मिला दिया है, हल्दी और गरम मसाला एक डालकर उबाल लेंगे, तीन चार सीटी लगने देंगे। यहाँ पर भटूरे की तैयारी कर लेते हैं, तो मैदा और सूजी और दही ऊपर से हमने डाला है, नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चीनी हमने डाला है थोड़ा सा, और फिर रिफाइंड ऑयल बड़े चम्मच से लगभग एक चम्मच, और फिर हमने खाने वाला सोडा डाला है। तो इसे अच्छे से हम सबको मिक्स करेंगे बढ़िया से, पूरे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा पानी दे दे के हम इसको बढ़िया से मसल मसल कर गूँथ लेना है अच्छे से। तो ऊपर गूँथ नहीं रहा था तो नीचे में लगा कर ताकत अच्छे से गूँथा है उसे, और इस तरह से गूँथ कर रख लिया है। थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल लेंगे और अच्छे से फिर अंत में पूरे में लगा देंगे और ढककर रख देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए, तब तक हम छोले बनाएंगे। उससे पहले शाम भी हो गई थी तो यहाँ पर शाम बत्ती दिखा देते, और बल्ब ना लाइन है, मतलब लाइट तो है लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर बल्ब थोड़ा ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा पीट देते हैं, इसके बाद थोड़ा देर बाद अपने आ जाता है। देखिएगा ये देखिए आ गया ना, तो ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्या यहाँ हो गया है पूजा रूम का बल्ब में। तो चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं, शाम की शाम बत्ती सही टाइम पर दिखा लूँगी। सबसे पहले तो सब्जियों को काट उट लेते हैं, जैसे कि धनिया पत्ता हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, सबको अच्छे से काट छाट कर रख लेते हैं। जब भी कोई सामान हो, सब्जी बनाना हो या फिर कोई नया चीज़ बनाना हो, तो सभी चीज़ों का तैयारी कर लो तो फिर बनाने में आसान होता है। साफ़ सफाई के साथ हम बना भी लेते हैं, लेकिन अगर आप चढ़ाएं और इसके बाद जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो फिर गंदगी ज़्यादा फैलता है और अच्छे से बनता नहीं है। तो चलिए सब काट उट कर रख दिए हैं, कढ़ाई भी हमने चढ़ाया है, तेल गर्म किया, तीन हमने लाल मिर्च और जीरा से छौंक लगाया है, और फिर प्याज हमने डाला है, थोड़ा सा हींग डालेंगे, और यहाँ पर करी पत्ता भी हमने डाले हैं चार पांच, और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जब हमारा फ्राई हो जाता है तो ये देखिए लहसुन गुलकी जीरा, और साथ में इसमें हमने मिर्चा नहीं डाला था, और प्याज भी हमने एक काट कर डालकर अच्छे से हमने मिक्सी जार में पीस कर रख लिया था लहसुन वगैरह, तो यही पेस्ट है जो कि इसमें हमने डाल दिया है, और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अच्छे से जब हम फ्राई करते हैं ना तो धीमी आंच पर पूरा अच्छे से पकाएंगे इसे। और टमाटर भी हमने अच्छे से हमने क्या किया है, दो टमाटर लेकर और मिक्सी जार में पीस कर रख लिए हैं। तो चलिए इसमें भुनने के बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, और जब टमाटर हम डालेंगे तो थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे, क्योंकि हमने छोले में भी नमक याद से डाला था, इसलिए दम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमारा जो प्याज है और टमाटर है दोनों ही अच्छे से गल जाता है, और साथ में ना अच्छे से भूनता है, अच्छे से दोनों गल कर भूनता है बढ़िया से। और इसके बाद हम मसाले तुरंत ही डाल देंगे, तो हल्दी थोड़ा सा डाला क्योंकि उसमें भी हमने डाला है, और दो चम्मच हमने डाला है धनिया पाउडर, बस इसको अच्छे से चलाएंगे और भूनेंगे, थोड़ा सा ढक ढक कर इसे हम भून लेते हैं। तो बस ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है, लेकिन और ये भुनेगा। तो अभी हम डालते हैं यहाँ पर लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ा सा तीखा छोले रहता है तो अच्छा भी लगता है, तो लाल मिर्च ही डालेंगे, और लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे, और लास्ट में हम छोले मसाला डालेंगे। लास्ट में हम छोले मसाला एक पैकेट हमने पूरा डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ढेर सारा छोले बना रही हूँ ना, तो एक पैकेट पूरा डाल देते हैं। और अच्छे से इसको क्या करेंगे, हम
फ्राई करेंगे बहुत ही, जब तक ये तेल छोड़ ना दे तब तक इसे फ्राई करना है। अब मसाले भी भुन जाएंगे हमारे, और जो भी टमाटर प्याज सब डाले हैं सब अच्छे से भुन जाएगा। और इतना अच्छा बना था ना, इस तरीके से हम बनाए थे तो बहुत मज़ेदार लगा था, इतना कि एकदम बच्चे तो बोल रहे थे कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है आज छोले। और देखने में भी छोले के साथ साथ ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा। तो हम छोले भी डाल दिए हैं मसाला भुनने के बाद, ये देखिए। और इसके बाद ऊपर से हम धनिया डाल देंगे। आप इधर थोड़ा सा ज़्यादा अगर कढ़ी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो बस इतना ही चाहिए। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको खौलाएंगे और इसके बाद उतार देंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसा छोला हमारा जो है बना है। तो छोले और भटूरे जो है कभी कभी ही बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं ना तो को बाज़ार से ज़्यादा खाते हैं बच्चे, क्योंकि बाज़ार वाले जो होते हैं ना छोले भटूरे, हमने भी खाया है लेकिन उतना ज़्यादा टेस्टी तो लगता ही ये सारे चीज़ें, लेकिन ज़्यादा ढुकेगा नहीं, मतलब ज़्यादा खाने में नहीं बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर छोले कितना अच्छा बना है। और साथ में हम यहाँ पर भटूरे भी तैयार करेंगे, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और ये चीज़ ज़रूर होता है कि जब हम बाज़ार के छोले भटूरे खाएंगे ना तो बहुत, मतलब कितना तेल, जो पुराना से पुराना तेल में छान के दे देते हैं, तो उनको भाई बेचना है और यही रोजी रोज़गार है तो भाई करेंगे ही। लेकिन घर में बनाओ, इस जिनको बनाने आता है तो बना सकते हैं और खा सकते हैं, अच्छा रहता है और मज़ा लगता है खाने, बाज़ार से अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने बेल लिया है, और फिर जब पूरा गर्म हो जाए तेल हमारा ना एकदम पूरा गर्म, तब इसमें हम भटूरे को डालेंगे। और देखिए भटूरे डालते ही एकदम फूल जाता है हमारे भटूरे। और इस तरह से भटूरे अगर इस दशहरे में ना, बहुत लोग, दशहरा हो दिवाली हो, खाने पीने का ही होता है, सभी ज़्यादा ही खाते हैं इन दिनों, तो दशहरा तक घूमने खाने वाला ही सभी मनाते हैं। तो अगर खाना हो तो इस तरह से बना कर घर में खा सकते हैं नई नई डिशेज। तो चलिए अभी हो गया हमारा तैयार खाना भी। और ये देखिए हमारा आज का खाना, ये छोले भटूरे प्याज, और साथ में अचार ना हो तो फिर फीका हो जाता है। तो चलिए सबको परोसते हैं, सभी एक यहाँ गर्मे गर्मे सबको खिला रही थी। अब हस्बैंड जी बैठे हुए हैं तो इनको भी दिए हैं, और नीचे ही बैठेंगे क्योंकि इनको नीचे आराम लगता है खाने में बैठकर, तो मज़े से यहाँ पर खाएंगे। दो चार सालों से हमने जो नवरात्रि किया था तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन इस बार सोच रही हूँ घूमेंगे। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 9, खाना पीना हमारा हो चुका है, और इसी के अब बहुत अच्छा लगा छोले भटूरे आज खाकर, मज़ा आ गया। और क्या हुआ ना कि थोड़ा सा ज़्यादा आटा मुझसे गुथा गया है, तो अभी आधा आटा बचा हुआ है, मतलब आधा आटा गुथा हुआ बचा हुआ है। तो सुबह में भी नाश्ता हम लोगों का यही हो जाएगा कल, तो अभी ढककर रख दिए हैं, ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए अभी हम वीडियो को एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। अभी छोले भटूरे छना तला खाए थे ना, तो थोड़ा सा ठंडा भी हमने मंगाया, अभी ठंडा पिया है। और इसी के साथ हम कर देते हैं एंडिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।